नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से दिल्ली रवाना हो गए हैं, लेकिन दिल्ली जाने से पहले लालू यादव ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, सीधे नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से लालू यादव ने प्रहार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव दिल्ली रवाना हुए हैं। ब्लड टेस्ट कराने के लिए लालू यादव दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं और दिल्ली से वो पुनः पटना लौटेंगे, लेकिन दिल्ली जाने से पहले लालू यादव ने कहा है कि पटना लौटने के बाद बेंगलुरु जाऊंगा, विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बेंगलुरु में होनी है। लालू यादव ने ऐलान कर कहा है कि बेंगलुरु में 18 तारीख को होने वाली बैठक में वो शामिल होंगे। लालू यादव ने दिल्ली जाने से पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी के विदाई की तैयारी में वो जुटेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कल राजधानी पटना के आरजेडी दफ्तर से लालू प्रसाद यादव ने राजद के 27वें वर्षगांठ के मौके पर स्थापना दिवस समारोह में हुंकार भरी और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने खुले मंच से नरेंद्र मोदी पर लालू यादव ने प्रहार किया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही साथ लालू यादव ने नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की, बिहार में सियासी माहौल गर्मा गई है। लेकिन इस बीच लालू यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली जाने से पहले पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर लालू यादव पुराने तेवर में नजर आए। नरेंद्र मोदी के विदाई की तैयारी कराने तक की बात लालू यादव ने कह दी है। क्या कह रहे हैं लालू यादव, जरा वो सुनिए। सर, भरोसा नहीं हो रहा है आपके आ जाने बाद लोगों को, ये कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है, बीजेपी लोग ये कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आपके आने से बिहार में कोई फायदा नहीं होने वाला। विपक्षी एकता से जी हो जाएगा, पीछे चलो पीछे चलो। चार्जशीट हुआ सर, सीबीआई चार्जशीट की है सर। गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को आप सुने थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का यह बड़ा बयान, दिल्ली जाने से पहले लालू यादव ने कर दिया ऐलान, नरेंद्र मोदी की विदाई की तैयारी के लिए होने वाले बैठक में वो 18 तारीख को बेंगलुरु भी जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सियासत में सक्रिय हुए हैं। लालू ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली जाने से पहले लालू ने कहा है कि बीजेपी के लोग चिंता में हैं हमारे आने के बाद। वहीं जब ये सवाल लालू यादव से पूछे गए कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आपके सियासत में सक्रियता से कोई फायदा नहीं होने वाली, तो लालू ने कहा है वक्त बताएगा। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद दिल्ली रवाना हो गए हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।